कहा है भाई मोहकम सिंह जी का जन्म स्थान। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में सजाए गए पांच प्यारों में से एक थे भाई मोहकम सिंह, जिनका जन्म स्थान गुजरात के द्वारका से 7 किलोमीटर समुद्र में बने एक छोटे से टापू द्वारका बेट के स्थान पर है। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक ये जानकारी तो मिलती है कि मोहकम सिंह जी द्वारका के रहने वाले थे, पर उनके जन्म स्थान का पता लगा पाना मुश्किल था। बहुत कठिनाइयों के बाद 2001 ईस्वी में बड़ौदा के राजे की 200 साल पुरानी वसीयत में इस बारे में पता चला, जिसमें 3.25 एकड़ जमीन गुरु नानक देव जी के नाम है। 2003 में इस स्थान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज इस स्थान पर एक आलीशान गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। इतिहास से मिलती जानकारी के मुताबिक सबसे पहले गुरु नानक देव जी इस स्थान पर आए थे। भाई मोहकम सिंह जी के घर से थोड़ी दूरी पर स्थित शंख सरोवर वाले स्थान पर विराजमान होकर गुरु नानक देव जी ने कीर्तन किया था। भाई मोहकम सिंह जी के पुरखों ने गुरु नानक देव जी की संगत की और सिखी धारण की, और उनसे ही भाई मोहकम सिंह जी को सिखी प्राप्त हुई। भाई मोहकम सिंह जी का पहला नाम मोहकम चंद था। जिस समय वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास आनंदपुर साहिब पहुंचे, तब उनकी उम्र महज 9 साल की थी। सन 1699 ईस्वी की बैसाखी पर मोहकम चंद जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से अमृत की दात प्राप्त की और मोहकम सिंह बन गए। भाई मोहकम सिंह जी का निजी घर गुरुद्वारा साहिब में उसी तरह संभाल कर रखा हुआ है। इस स्थान पर ज्यादा बसावट मुसलमानों की है, पर हर कोई इस स्थान को दिल से पूजता है। हर साल मार्च के महीने में इस स्थान पर धार्मिक समागम होता है, जिसमें हर धर्म के लोग बहुत श्रद्धा भावना से सेवा करते हैं।